आप देख रहे हैं हिसाब खेल का, मैं हूं लक्ष्मी। किंग्स 11 पंजाब को भले ही सैटरडे को आईपीएल 2019 में चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट 22 रन से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद कैप्टन रविचंद्रन अश्विन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। अश्विन आईपीएल में एम चिदम्बरम स्टेडियम में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए। अश्विन ने इस मामले में चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर डेविड ब्रावो का रिकॉर्ड तोड़ा। अश्विन को फ़ायदा यह हुआ कि ब्रावो हैमस्ट्रिंग की चोट के चलते 2 सप्ताह के लिए मैदान से दूर हैं और इसके चलते वे अपने विकेटों की संख्या नहीं बढ़ा पाए थे। अश्विन ने सीएसके के 3 विकेट हासिल किए और उन्होंने इसी के साथ इस मैदान पर आईपीएल में अपने विकेटों की संख्या को 46 तक पहुँचा दिया। इससे पहले इस मैदान का रिकॉर्ड ब्रावो के नाम था जिन्होंने 44 विकेट लिए थे। सनराइजर्स हैदराबाद सैटरडे को आईपीएल 2019 में अपने होम ग्राउंड पर मुंबई इंडियंस से 40 रन से हार गए। हैदराबाद की टीम इस लो स्कोरिंग मैच में 17.4 ओवर्स में 96 रन ही बना पाई। इस तरह एसआरएच ने आईपीएल में अपने सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। सनराइजर्स की तरफ से कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना पाया। दीपक हुडा ने 20 और जॉनी बैरिस्टो और मनीष पांडे ने 16-16 रन बनाए। इससे पहले सनराइजर्स का न्यूनतम स्कोर 113 था जो उसने 2015 में हैदराबाद में मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाया था। सनराइजर्स के आईपीएल में 4 सबसे कम स्कोर में से 3 स्कोर मुंबई इंडियंस के खिलाफ बने हैं। आईपीएल के 12th सीजन में संडे को हुए पहले मैच में विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की किस्मत नहीं बदली और वो 6th मैच भी हार गए। मेजबानों से मिले 150 रन के टारगेट के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और शिखर धवन बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। पृथ्वी शॉ भी अपने अंदाज को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सके, लेकिन ज़रूरत के मौके पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिखाया कि क्यों उन्हें भविष्य का बल्लेबाज कहा जा रहा है। उनकी पारी से दिल्ली की राह आसान हो गई है। हालांकि आखिरी पलों में एक के बाद एक 3 झटके दिल्ली को लगे ज़रूर, लेकिन कैपिटल्स की जीत को लेकर बिल्कुल भी कोई शक नहीं था और दिल्ली ने बैंगलोर को लगातार 6ठी हार झेलने पर मजबूर करते हुए 18.5 ओवरों में 6 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने संडे को राजस्थान रॉयल्स को उनके ही होम ग्राउंड पे हराकर पॉइंट टेबल पे नंबर 1 पोजीशन पर अपना कब्जा कर लिया है। इसके साथ एमएस धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट टेबल में नंबर 2 पे आ गई है। जयपुर में कोलकाता ने राजस्थान पर 37 गेंद शेष रहते हुए 8 विकेट से एक तरफा जीत दर्ज की। राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले बल्लेबाजी का न्योता पाने के बाद 3 विकेट पर 139 रन ही बना पाई। यह आईपीएल में पूरे 20 ओवर खेलकर 3 या इससे कम विकेट गंवाने के बाद सबसे न्यूनतम स्कोर है। आईपीएल 2019 में एमएस धोनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अपनी इस शानदार परफॉर्मेंस की वजह से चैंपियन चेन्नई अब तक 5 में से 4 मैचेस जीत चुकी है। अब 9 अप्रैल को वो अपने होम ग्राउंड में कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट खेलेगी। मज़े की बात तो ये है कि फिलहाल केकेआर भी 5 में से 4 मैचेस जीत चुकी है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का क्रेज सिर चढ़कर बोलता रहा है। टिकटॉक पर फैंस का उत्साह देखते ही बनता है। चेन्नई सुपर किंग्स के उस वीडियो को देखा जा सकता है जिसमें कप्तान धोनी अपने धुरंधरों के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। बंगला लोक संगीत की धुन के साथ अपलोड किया गया वीडियो फैंस को लुभा रहा है। शनिवार को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद धोनी का वह वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह इमरान ताहिर और शेन वॉटसन दोनों के बेटों के साथ चेपक स्टेडियम में दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं। होने वाले वर्ल्ड कप में नंबर 4 स्लॉट के लिए इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने के लिए सबसे सही कौन है, ये डिबेट तब खत्म होगी जब टीम का फाइनल अनाउंसमेंट होगा। इसी बीच इंडिया के फॉर्मर बोलर प्रवीण कुमार का मानना है कि राइडू, खेदार जाधव और ऋषभ पंत नंबर 4 स्लॉट के लिए फिट है। 4 नंबर की हमेशा से दिक्कत रही है, लोग बोल रहे हैं 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर, तो मेरे ख्याल में राइडू या फिर केदार जाधव। ऋषभ पंत भी बैठ सकते हैं, अच्छा कर रहे हैं। आईपीएल में बड़े तेज 70-75 रन बनाए उन्होंने, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप देखिए सेलेक्टर्स को क्या भाता है या विराट कोहली को कौन अच्छा लगता है, कौन किस पे जाते हैं।
तो ये थी खेल जगत से जुड़ी कुछ खास जानकारी। देखते रहिए हिसाब खेल का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।